मेरा नाम अजय सिंह है। मैं कोटद्वार का DDU GKY का छात्र हूँ और OJT के दौरान जो जो काम हम सीख रहे हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि वैभव सर से बात करते हैं। वैभव सर, आप बताएंगे क्या क्या काम सीखने को मिल रहा है? यस सर, जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी OJT काट रहे हैं यहाँ हरियाणा लोहारी में, तो यहाँ पे हमको वेयर हाउस में कई तरह के काम सीखने को मिल रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट, हर किसी को अलग डिपार्टमेंट मिल रखा है। तो स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पिकर से। जो मेन यहाँ पे रोल है वो पिकर का रोल है, जो हमको सामान पिक करके देता है। उसके बाद पिकर के बाद आपका आता है आपका PTL सर्विस। PTL डिपार्टमेंट हमको सारा सामान सीक्वेंस में लगा के देता है एक तरह से। और उसके बाद इसको जो पैकिंग करते हैं वो आती है पैकिंग डिपार्टमेंट। पैकिंग डिपार्टमेंट अपनी टेबल पे इसको पैक करती है। इनके पास एक सिस्टम दिया गया, इनको हर एक बॉक्स को मतलब साइज़ सेफ साइज़ के हिसाब से सामान जिस तरह का है उसको उस हिसाब से रख के उसमें पैक करके उस पर लेबलिंग करके उस पर स्कैनिंग वगैरह करके उसको आगे देती है। अगर ऐसा कि एक शिपिंग डिपार्टमेंट है, उसमें क्या होता है? तो शिपिंग डिपार्टमेंट में सर जो भी सामान बाहर से आना होता है या बाहर जाना होता है उसको अंदर मतलब जैसे कि आप कहें उसको सही जगह पे एक तरह से पहुंचाने के लिए जितने भी वर्कर्स का काम होता है वो सारा शिपिंग में आता है। और जैसे कि चेक SKU, जैसे सामान कहीं पे बिन सेल्फ के बाहर गिरा हुआ होता है तो कैसे चेक करना है कि कौन से बिन सेल्फ? सर इसमें बिन सेल्फ नहीं सर, सॉरी सर, ये आपका जोन के वाइज होता है। सर जिस तरह से हम पे वहाँ पे चार जोन बांटे गए सर, तो फर्स्ट ऑफ जोन है हमारे पास हैंगर का, फोल्डिंग का और बिन सेल्फ, और एक है परफ्यूम का जोन। तो सर सामान जिस तरह से अगर अपनी जगह से बाहर गिरा हुआ है तो सर उस पर एक SKU नंबर होता है, SKU नंबर होता है उसके पीछे लगा हुआ सर। हर चीज़ का एक SKU नंबर होता है, उसको हम उसके SKU के थ्रू उसके सही लोकेशन उसकी चेक कर सकते हैं कि सर वो कौन सी लोकेशन का है। उसको हम वहाँ पे पुट कर देंगे। अगर सामान ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टॉक चेक करेंगे, पहले हम स्टॉक कंट्रोल के हिसाब से उसको चेक करेंगे। अगर वहाँ का स्टॉक ऑलरेडी कंप्लीट होगा, वहाँ की यूनिट कंप्लीट होंगी, तो हम उस सामान को वहाँ पे ना रख के उसको एक्स्ट्रा उसमें रख लेंगे। और ये सारा आपका इन्वेंटरी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है। और जैसे कि क्वालिटी चेक होता है एक, उसमें क्या होता है सर? सर क्वालिटी चेक में देखा जाता है कि सर सामान सही स्थिति में है या नहीं है, उसको क्वालिटी चेक में कहा जाता है सर। यस सर। तो वैभव सर, आप बताएंगे कि रिटर्न लॉजिस्टिक होती है जो वेयर हाउस के अंदर कैसे काम करती है? ये सर रिटर्न लॉजिस्टिक, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रोल होता है आपका डॉक्स का। जो सामान बाहर से आना हुआ होता है उस सामान को डॉक्स के थ्रू हम पहले शिपिंग के थ्रू उसको उतार के लोडिंग अनलोडिंग, जो आप लोग जानते ही है कि लोडिंग अनलोडिंग क्या होती है, इसमें लोडिंग अनलोडिंग करने के बाद हम इसको पैकिंग टेबल तक पहुँचाते हैं। अगर उस चीज़ का ऑर्डर लगाए तो उसको हम उसी समय पैकिंग करके न्यू ऑर्डर पैक कर लेते, और नहीं तो उसको हम रिटर्न लॉजिस्टिक के थ्रू हम उसको उसकी लोकेशन पर पुट कर देते। इसमें पुट वे का यूज़ होता है, जो सामान नो पोजिशन होता है उसको हम उसके लिए हम खाली पोजिशन देख के उसको वहाँ पर पुट करते हैं, या तो SKU बढ़ा के अपने लोकेशन के उसके साथ वरना वहाँ पे पुट कर लेते हैं, जो जिस जोन का होता है उसको वहाँ पे पुट करते हैं। यस सर। तो वैभव सर ये बताइए, क्या आपने वहाँ कंप्यूटर सिस्टम पे काम किया है? यस सर, मैंने वहाँ पे सिस्टम पे भी काम किया है, क्योंकि मेरा इन्वेंटरी डिपार्टमेंट है तो मेरे को वहाँ पे सिस्टम पे यूज़ करने का भी मिलता है काफ़ी टाइम। तो वहाँ पे जिस तरह से पैकर हो या आपका PTL सर्विस हो या पैकिंग सर्विस हो, इनको अगर कोई सामान सही समय पर नहीं मिलता है वहाँ पर, तो वो इंसिडेंस बनाने के बाद हमारे पास आता है, तो उसका हम इंसिडेंस कंप्लीट करने के लिए अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं उसका। उस सामान को हम ढूंढते हैं अपने मूवमेंट चेक के थ्रू उसमें। तो सर ये इंसिडेंस क्या होता है? सर ये इंसिडेंस एक इस तरह का होता है कि सर इसमें जिस तरह के पैक कुछ भी मतलब आपका PTL सर्विस हो या पिकर हो आपका या आपका पैकिंग वाला हो, उसके पास अगर वो सामान नहीं पहुँचा है तो वो सामान पहुँचा क्यों नहीं है, और उस सामान को हम उसके बाद खोजते हैं उस सामान को, उसको ढूंढते हैं उसकी लोकेशन पर, ढूंढते हैं अनदर लोकेशन पर उसका। सर इसमें जो PTL सर्विस या आपका पिकर या आपका पैकर को, पैकर पैकिंग वालों को जो भी सामान नहीं मिलता है समय पर, उसको सर इंसिडेंस बना के हमारे पास आता है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में, और उसको हम उसके बाद सॉल्व करके उसको भेजते हैं आगे, और उसकी मूवमेंट चेक करते सर कि ये सामान कौन सी जगह पर पहले था और आप कहाँ पर है। सर थे हमारे वैभव सर, और जैसे कि इनको आपने देखा होगा कि OJT का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है साथ में, और OJT के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।